गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः सः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जो चल रही थी 5 तत्व अपने अंदर उस परम तत्व को पैदा करने के लिए कहे गए थे, कल भी मुझे कल ही कह दिया गया था कि इसी को दोबारा समझाना है। प्रमाण के बारे में मैंने आपको बताया कि आपका होना ही प्रमाण है। विपर्य ईश्वर ने जिस स्तर पर आपको अपने से अलग किया है, जिस रास्ते से आप ईश्वर से अलग हुए हैं, उसी रास्ते से आकर के आप ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। ईश्वर भी चाहे उस मार्ग को बदलना तो नहीं बदल सकता, क्योंकि रास्ता ही वो है जिससे आप अलग हुए हैं। अगला है विकल्प, कोई विकल्प नहीं है, उसी रास्ते को हमको मानना ही पड़ेगा जो ईश्वर ने बनाया है। निद्रा, चेतना की निष्क्रियता, नींद इसको मत कहना जो आप सोते हैं, ये तो शरीर की थकावट के लिए होती है। तो क्या ये नींद नहीं है? चेतना की नींद अलग होती है। जिसको चेतना की निष्क्रियता कहते हैं, चेतना की निष्क्रियता, मैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं, मुझको समझ नहीं आता, मेरा मन नहीं करता, वो चेतना की निष्क्रियता है। स्मृति, ये स्मृति नहीं है जिसको आप स्मृति कहते हैं। एक उदाहरण दूंगा, मैं आज सुबह पार्क में गया, चिंतन चल रहा था। पार्क में जब पहुंचा तो उससे पहले ही बाइक पर मुझे एक लड़का और लड़की मेरे पास से गुजर करके निकले, क्योंकि वो बाइक पर थे इसलिए मेरे से पहले उन्होंने जाकर के जो पार्क का गेट है उस पर जाकर के अपनी बाइक रोकी और दोनों के दोनों अंदर चले गए। और जाकर के एक बेंच पर, दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। अब मैं बार बार उनको देख रहा था, मैं चक्कर लगा रहा था और चक्कर लगाता लगाता बार बार उन पर मेरी दृष्टि जा रही थी। मैंने चिंतन में ही अपने आप से पूछा, ये क्या है, तेरी दृष्टि इधर क्यों जा रही है? मेरी ही चेतना ने मुझे जवाब दिया कि लड़के और लड़की, यानी कि स्त्री और पुरुष, अगर आपस में जुड़े हैं तो उनके पीछे एक तत्व काम करता है, तत्व काम करता है। अर्थात मैंने अपने आप से ही कहा
जब मेरी दृष्टि बार बार इनके ऊपर जा रही है, इनमें ढूंढ रही है कुछ, तो वो मेरे अंदर भी है। जो ये दोनों मिलकर के ढूंढ रहे हैं वो मैं भी ढूंढ रहा हूं, वो कमी मेरे में भी है। लोभ हो, भोग हो, विलास हो, कामना हो, इच्छाएं हो, पाप हो, ये सब बुराइयां हैं और सांसारिक बुराइयां हैं। जो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में ढूंढ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विचार आता है हम तो अपने गुरु से जुड़े हैं, हम तो अपने गुरु से जुड़े हैं, स्मृति में गुरु क्यों नहीं आया? अगर स्मृति में गुरु आकर के बैठ गया होता तो विचार भी गुरु के निकलते। स्मृति में बुराई आकर के बैठ गई, इसलिए विचार भी वैसे ही उठ रहे हैं। चिंतन स्तर की अंतरंग उमंगे ही बहिरंग जीवन में छाई रहती हैं, उनसे ही दिशा का निर्धारण और परिस्थितियों का निर्माण होता है। भावना का ये मर्म स्थल परिष्कृत संतुलित बने। यही योग है। और इस पर चलना, अपने आप को इस पर चलाना, ये योग की साधना है। दोबारे से कह रहा हूं, भगवान ने इंसान की भूख बनाई और वो भूख आवश्यकता है, पेट की पूर्ति करना, वो भूख बनाई। भोजन हमने मुंह से चबा करके, जो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति ने ये शरीर भी दिया है और प्रकृति ने इसकी पूर्ति के लिए भोजन भी दिया है, परंतु दोनों को जोड़ा है कर्म से। अगर आपको इसकी पूर्ति करनी है तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा। अब कर्म के भी दो स्वरूप बना दिए, उसका स्थूल भाग हमारे शरीर की पूर्ति करता है, परंतु भावना वाला भाग हमारी आत्मा की पूर्ति करता है। जहां भोग है वहां भावना नहीं है, जहां विलास है वहां त्याग नहीं है। उस व्यक्ति को किसी का भला नहीं दिखेगा, दूसरों के मांस को नोचने वाले को उसकी जान नहीं दिखती है। चेतना के काम करने का अर्थ है भावना का काम करना। भावना में ही भगवान है। अगर आपकी भावना काम नहीं कर रही है तो आपके अंदर भगवान काम नहीं कर रहा है। साफ साफ सुन लीजिए, ये प्रमाण है आपका। अंतर मन की संरचना कुछ इस तरह की जटिल है कि उस क्षेत्र के प्रवाहों को रोकना और मोड़ना, रोकना और मोड़ना
बहुत आसान नहीं है। सत्य को तो अक्सर सब जानते हैं, गहराई से नहीं जानते तो ऊपर से जानते हैं। परंतु उस प्रवाह को रोक नहीं पाते हैं। तर्क में विचार उठते हैं और बदले भी जा सकते हैं। तर्क में विचार उठते हैं और बदले भी जा सकते हैं, परंतु सामर्थ्य चाहिए। जैसे शरीर की सामर्थ्य होती है कर्म करने की, ऐसे ही मन की भी सामर्थ्य है जिम्मेदारी उठाने की। कई बार आपने लिखा होगा, आदमी कहता मैंने तेरा ठेका थोड़ी उठाया है, वो कर्तव्य भावना नहीं है। याद रखना, आप जिस तरह की सोच को सोचते चले जा रहे हैं, वैसे ही विश्वास आपकी चेतना पर जमते हुए चले जाएंगे, और उन विश्वासों को बदलना बहुत टेढ़ी खीर है। जिस गहराई में अपनी जड़ें जमाए बैठे रहते हैं, वहां तक कोई तर्क पहुंच नहीं पाता, और उन तथ्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। आदमी मिट्टी का चिकना घड़ा हो जाता है। मूड, मान्यताएं, परंपराएं, अपनाने पर तरह दुराग्रही, दो तरह की इच्छाएं करने वाला दुराग्रही होने का लांछन अपने ऊपर लगवाता है। और पुरानी लकीर कोई पीटता रहता है, जो उसकी पुराना ढर्रा है उसी पर ही चलता रहता है। आदर्श के रूप में बातें तो बनाता है पर निभा नहीं पाता। मौखिक समर्थन करने पर भी औचित्य का स्वभाव, जो उसका जीवन का अंग बन जाता है, उसको बदलना हर किसी के बस की नहीं है। ऐसे बिरले ही त्यागी वीर कहूंगा, त्यागी और वीर भी कहूंगा, जो इस प्रयास को करते हैं और उसको संभव करके दिखाते हैं। अब से कुछ महीने पहले मैंने इसी बात को समझाने के लिए अचेतन मन का सहारा लिया था। चेतन मन तो यही है जो बाहर से काम कर रहा है, जिसको आपने प्रमाण कहा है। आप उसके उदाहरण देकर के अपनी बात को सिद्ध कर देना चाहते हैं कि मैं सही हूं, परंतु बात केवल चेतन मन तक रह जाती है, अचेतन तक नहीं पहुंच पाती। संस्कार जो काम करते हैं वो अचेतन पर करते हैं। अचेतन को प्रभावित किए बिना जो सिंचित प्रवृत्तियां हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ कर लीजिए आप। जो मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी अंतर आत्मा ने उन दोनों बच्चों को देख करके कहा, तेरी निगाह इस पर क्यों जा रही है बार बार, साथ ही अचेतन ये भी बोलता है कि तुझ में कमी है,
उस कमी के कारण अपनी इच्छा, मन अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन उनमें जाकर के लग रहा है। इसको कहते हैं विश्वास। अचेतन पर जमे हुए संस्कार ही विश्वास बन जाते हैं। बहुत से व्यक्ति अपनी गलत बातों को भी सही सिद्ध कर देते हैं, अपनी ही कमियों को सही सिद्ध कर देते हैं, न्याय नहीं कर पाते, सत्य पर नहीं चल पाते, वो असत्य को ही सत्य बना देते हैं। ये उनकी चेतन की खूबी है। मैंने अभी आपसे कहा अचेतन को प्रभावित किए बिना आप अपने विश्वासों को उखाड़ नहीं सकते। तब तक आप अनगढ़ बने रहेंगे, अनगढ़ बने रहेंगे। अगर सुगढ़ बनना चाहते हैं तो अपने विश्वासों को घड़ करके ठीक करना पड़ेगा। भले ही आप कितने ही समृद्ध हो, शिक्षित हो, कितने ही धनवान हो, उसका इस क्षेत्र पर, मैंने कहा, सबका प्रभाव आपके अचेतन पर जमा रहता है। आपके अगर अचेतन पर आ गया, मैं बहुत धनी हूं, बहुत धनी हूं, तो वो विश्वास में जम गया, चाहे आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, परंतु आपके विश्वास पर आकर के जम गया मैं बहुत धनी हूं, उसको हटाना बहुत आसान नहीं है। वो विचार है वैसे ही जम जाता है। यही अज्ञानता है, विपर्य इसी को ही कहते हैं। अंतरंग को बदलने की, आत्म नियमन की जो क्षमता है, अगर वो किसी को मिली है तो वो अपने आप को भाग्यशाली कहे। जैसे व्यक्ति अपने आप को धनवान कहता है, अगर अपने आप को बदलने की क्षमता मिली है, मेरे सामने नरेश कौशिक है, बेटा बताओ तुम्हारा जीवन साक्षात इस बात का उदाहरण है, तुम कहां थे और आज कहां पर आ गए। अगर ये बदलाव तुम्हारे विश्वास में है कि मेरी जिंदगी कहां थी और वहां से हट करके आज मैं कहां पर आ गया, तो ये परिवर्तन है। नहीं तो वो विश्वास जो तुम्हारी जिंदगी में मेरे पास आने से पहले थे, वो विश्वास तुम्हारे ऊपर जमे रहते और तुम्हें लालच दिखाते, लोभ दिखाते, वो दिखाते और उसी जिंदगी को ढर्रे पर चलाते, सारी जिंदगी उसी पर चलती रहती, जीवन को नहीं कमा पाते, धन दौलत को कमा लेते। बेटा परिवर्तन की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं। अपने विश्वासों को बदलना, मैं ये कहूंगा आप में से कुछ लोग लोहार की भट्टी के पास गए होंगे। जब लोहार लोहे को गर्म कर लेता है और आग की तरह से वो लाल हो जाता है, आग की तरह से लाल हो जाता है, लोहा कितना पक्का होता है पर गर्म होकर के नरम हो जाता है, नीह पर रख करके घन की चोट मारता है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें से चिंगारी भी उछटती है। लोहा नहीं है वो, ना उसको लोहा मत कहना, जो चिंगारी है वो लोहा नहीं है,
परंतु ध्यान देना, जब आग में से गर्म तप्त लोहे को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकलते के साथ ही उस पर एक परत जमती है, उसके ऊपर एक परत जमती है, और जैसे ही परत पर चोट पड़ती है वो चटकती है और चिंगारी के रूप में छिटकती है। आपको भी अपने विश्वासों को ईश्वर के साथ जोड़ना होगा, ईश्वर के साथ जोड़ना होगा। और ईश्वर के साथ जोड़ करके उस पर चोट मारनी होगी, मनोबल की चोट मारनी होगी। उज्जवल भविष्य का भाग्य उदय आपको अगर करना है, अपने जीवन का उज्जवल भविष्य का अगर आपको अरुणोदय करना है, ये अरुणोदय अगर आपको करना है तो अपने विश्वास पर चोट मारनी होगी। लोहार घन की चोट इसलिए मारता है कि लोहे को आकार देता है, नरम होने के कारण आकार को धारण करता चला जाता है, चोट पर फैलता चला जाता है। इस दिशा में अगर आपको अपना भला करना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो एक ही रास्ता है, योगाभ्यास। एक ही रास्ता है, योगाभ्यास। ध्यान योग के अंतर्गत आने पर धारणा और प्रत्याहार उपचारों को अपनाने से साधक के संकल्प की शक्ति जगती है। मैंने बताया था यम नियम आसन प्राणायाम, ये बाहर के हैं पांच योग के अंग, ये बाहर के हैं पांच, और अंक अंदर के हैं धारणा ध्यान और समाधि। धारणा और प्रत्याहार के उपचारों को अपनाने से साधक की संकल्प शक्ति इतनी प्रखर हो जाती है कि मनोनिग्रह और स्वभाव का परिष्कार, मनोनिग्रह जो अंतर्बंड विचार उठते रहते हैं, और स्वभाव का परिष्कार, ये उसी से संभव हो पाएगा और किसी से नहीं। और किसी से संभव नहीं है। चित्तवृत्तियों का नियमन, सर्कस के जो हिंसक पशु हैं उनको अपने कब्जे में लेने के लिए रिंग मास्टर उनको साधता है, कठिन होते हुए भी असाधारण लाभ उन पशुओं से लेता है। अन्यथा इस प्रयास से योग साधना और तपश्चर्या का हंटर क्या काम करेगा? जब तक हंटर नहीं पड़ेगा, सोचो, जब तक हंटर नहीं पड़ेगा तब तक पशुवृत्तियां कैसे सीधी होंगी?
तुमने देखा होगा पिंजरे के अंदर रिंग मास्टर जब प्रवेश करता है तो उससे पहले हंटर हाथ में लेकर के चलता है। उस हिंसक पशु का मनोबल तोड़ करके रखता है, उसे अपनी वृत्ति ध्यान नहीं रह जाती, हंटर का ध्यान रहता है। और उस हिंसक पशु की जो दृष्टि है हर वक्त हंटर पर रहती है। अन्यथा अगर हंटर पास ना हो तो छेड़खानी को वो हिंसक पशु बर्दाश्त नहीं करेगा और तुरंत उसकी हिंसा उभर आएगी, तुरंत उसकी हिंसा उभर आएगी और हिंसा के उभरते के साथ ही उलट करके वार कर देगा। और आदमी में इतनी ताकत नहीं है कि उस हिंसक पशु के वार को झेल पाए, वो तो इसलिए उसको बस में करता है कि उसके मनोबल को तोड़ करके रखता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्तियों का निरोध कहा है, अर्थात अब हम अपनी हिंसक वृत्तियों को जागृत ना होने दें। जो मैंने अभी दो बच्चों का उदाहरण देकर के समझाया है, हम गलत काम नहीं करते परंतु इंद्रियों को भड़काना क्या हिंसा नहीं है? जो बोता है वो काटता है, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। ये कर्म फल की व्यवस्था है, कर्म फल का सिद्धांत है। आप बदल नहीं सकते उसे, बदल नहीं सकते। हां बेटी, आपको ठीक से समझ आ जाए इसलिए अपनी बात को उदाहरण से समझा रहा हूं, पांचों चीजों को बता रहा हूं, पांचों चीज प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, स्मृति, ये पांचों आपको समझा रहा हूं। आदमी का जैसा स्वभाव होता है उसी में सोया रहना चाहता है, उसी सोते सोते जैसे आप सपने देखते हैं वो उन्हीं ख्वाबों में, ख्यालों में खोया रहता है। नशा करने वाले पर नशे की वृत्ति छाई रहती है, हर वक्त ढूंढता रहता है कहां से मिले, वो खुद नहीं ढूंढता है उसकी वृत्ति ढूंढती रहती है। चोर, भोगी, विलासी, कपटी, दुराचारी, सब अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने काम को करते रहते हैं, परंतु वो गुण, वो चैतन्य परमाणु क्या उनकी वृत्ति पर काम नहीं करते रहते? योग का अभिप्राय है चित्तवृत्तियों को निरोध करना। क्या तुम नहीं जानते क्या ठीक है और क्या गलत है? हर चीज तुमसे है, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। योग का अभिप्राय चित्तवृत्तियों का निरोध है, बस एक निचोड़ में आपको बता दिया। योग का अभिप्राय चित्तवृत्तियों का निरोध है। बाबू बहुत अच्छे से समझ लें, अपनी अंदर की क्षमता को इतना जगा लेना कि उनको पकड़ लें। मैं फिर दूसरा उदाहरण देता हूं। चोरी, डकैती, आतंकवादी, नशेड़ी,
भंगेड़ी सब इसी शकल में होते हैं, सब इंसान के चेहरे के शकल में ही होते हैं, परंतु अपनी अपनी वृत्तियों के कारण अपने अपने स्वभाव होते हैं और उसी के कारण वैसे ही कर्म वो करते रहते हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध का मतलब है अपनी कमजोरियों को पकड़ना और अपनी चेतना में से उनको अलग करना। इस साधना पथ को राजयोग या अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ बेटी, आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। मैं कहता हूं भगवान भी आपको रोक नहीं सकता। रोक ले भगवान, आ जा रोक ले, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मर्जी के मालिक हैं। स्थिति यहां तक पहुंच सकती है कि आपके परिवर्तन से प्रकृति को भी बदलना पड़ेगा, यानी कि प्रकृति में परिवर्तन लाने की क्षमता भी आपके अंदर है। पूरे ब्रह्मांड में जो काम कर रही है वो प्रकृति है। आपके संकल्प अगर इतने मजबूत हो जाएं कि आपके प्रभाव से, आपके विचार के प्रभाव से, या कहिए आपके विचार भी प्रकृति पर काम करने लग जाएं, बेटी फिर बताता हूं, तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो क्यों? लगाव के कारण, लगाव के कारण। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा कर्म, या कहिए तुम्हारे बच्चे की वाणी और तुम्हारे बच्चे का कर्म, तुम्हारी चेतना को प्रभावित करता है या नहीं करता है? अगर तुम्हारा ही बच्चा तुम्हारे पास आकर के कहे मां मुझे प्यास लगी है एक गिलास पानी दे दो, तो उस पानी को वो खुद भी लेकर के पी सकता है, उसमें दोनों चीज काम करती हैं। उसका निकम्मापन, गिलास भी रखा है पानी भी रखा है, मां जहां से देगी वो खुद भी ले सकता है। अगर उसे भावना से मां के साथ लगाव है तो वो ये कहता मैं बड़ा हो गया अब अपनी मां को दुख नहीं दूंगा, और वो बड़ा हो गया और अंदर से स्वभाव से बड़ा नहीं हुआ तो ऑर्डर पे लेगा। अगर आपने नहीं दिया तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं बड़ा हो गया, वो ये ऐतराज करेगा, रोष प्रकट करेगा कि मां ने मुझे पानी नहीं दिया। बेटा, जो मैं बात ये ललिता बेटा, ये कमजोरी की बात मत करो, हिम्मत की बात करो। गुरु देगा हिम्मत, जहां है वहीं से बढ़ना शुरू करो, जहां हो वहीं से बढ़ना शुरू करो। सोच को पॉजिटिव बनाओ, अगर ये आपने किया, अगर आपके मन पर एक चीज आ गई कि ये होना संभव है, बस वहीं से आपकी कमजोरी मिटना शुरू हो जाएगी। इसका जो उद्देश्य है मन को सही रूप से समझ सकना, भौतिक लौकिक जितनी अपार शक्ति है, अपार कहा है मैंने,
वो आपके पास है, उसको नियंत्रित करना, उसको सही दिशा में लगाना, सही जगह पर लगाना, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। बेटा, अष्टांग योग के बारे में मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, जिसका अंतिम लक्ष्य समाधि है, समाधि का जो उद्देश्य है, मतलब है, वो मनुष्य की आंतरिक जो शक्ति है, जो चेतना है, उसका विकास करना है और उन महान क्षमताओं को अपने अंदर अर्जित करना है। ललिता बेटा, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। अपनी खोई हुई क्षमताओं को दोबारा से अर्जित करना है। आप अपने बचपन को याद करके देखिए तो आपको पता लगेगा, क्या हम ऐसे ही थे? पहले हंस लेते थे, बोल लेते थे, खेल लेते थे, लड़ लेते थे, सब कर लेते थे। हाँ रीटा बेटा, ठीक लिख रही है। अब इस काम को कौन करेगा? अर्जुन भी श्री कृष्ण भगवान को यही कहता, समझता तो मैं सब कुछ हूं पर इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, विकास की क्षमता आपके अंदर पैदा नहीं होगी। विकास की क्षमता आपके अंदर पैदा नहीं होगी। चेतना का विकास वो महान क्षमता से अर्जित किया जाता है। हाँ बेटा, अगर सबके मन में यही जग रहा मैं करूंगी तो बीजांकुर हो गया। अंकुरण का मतलब है मैं कहां हूं, क्या कर रही हूं, वो आपके अंदर आ गया, वो आपके अंदर हम आ गया। हा बेटा पवन, ये लगन है, यही लगन है जो आपके अंदर अब पैदा करनी होगी। मैं दोबारा से बोलता हूं पवन, ठीक से समझ लेना बेटा, दो शब्द बोल रहा हूं, एक को बोल रहा हूं रुचि और दूसरी को बोल रहा हूं लगन। हां बेटी, मैं भी नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता। अब अच्छा चल रहा है, तुम लिख रहे हो, मुझे समझ, मैं बोल रहा हूं और उस पर अपनी टिप्पणियां कर रहा हूं। मैं चाहता भी यही हूं कि तुम्हें बोलना आ जाए। अरे बोलोगे तो जो गंदगी अंदर छुपी है, हम दोनों की रगड़ से साफ होनी शुरू हो जाएगी बेटा, साफ शुरू हो जाएगी। अब पवन लिख रहा है मन की लगन के बारे में, पर पहले रुचि तो जगाओ। बेटी मैं जो बात कह रहा हूं, पहले मन में रुचि जगाओ, इच्छा जगाओ, इच्छा जगाओ। अगर ये जगा लिया आपने, अगर ये रुचि आपने जगा ली तो फिर ये बैठने नहीं देगी। मुझे बताओ, नशा करने वाले को नशे की रुचि हो जाती है, उसको बेचैन कर देती है।
आप अध्यात्म के मार्ग पर चलें, अध्यात्म के मार्ग पर चलें और चलने के लिए अपनी रुचि को जगाएं, तो मन में लगन पैदा हो जाएगी। रुचि और लगन को जगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर इसको आपने जगा लिया तो बात बन जाएगी। इसी को योग कहते हैं और इसी से क्षमता अर्जित होती है। जीवन की वास्तविकता तभी समझ आती है, उसकी समस्याओं का अत्यंतिक समाधान होना शुरू हो जाता है। अगर ये बात आपको समझ आई हो, पांच बिंदु जो मैंने आपको बताए, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, अगर ये आपको समझ आए तो अगले पांच में और बताऊंगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। मानव मन की जितनी भी वृत्तियां हैं वो प्रमाण, विकल्प, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति से ही बनी हुई हैं। यही उनका आधार है, इसी से उनका निर्माण हुआ है। अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो कल आगे बढ़ा जाए या इसी को दोबारा समझाया जाए, आप लिखें, क्योंकि आज का समय जरूरत से ज्यादा हो चुका है। कल कहां से लेकर के चला जाए, इतनी बात समझ आए बेटा, कोई भी वो नहीं सोचेगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बिंदु जब तक क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए लिख दो कैसा किया जाए। कल अभी एक बच्चे लिख रही है, उसे दोबारा समझाए। एक लिख रही है समझ आ गया। प्रदीप गुरुजी प्रणाम मत लिखो, ये मुझे गाली देना है, जो बात मैं कर रहा हूं उसको करो। पूजा लिख रही है मुझे समझ आ गया, बातें तो समझ आ रही है बेटा। उपाध्याय बेटिया लिख रही है इस बात को, अच्छा संजय दोबारा समझाएंगे। चलो तुम समझदार भी हो और जिम्मेदार भी हो। मैं कोनिया वालों को बहुत उभार देना चाहता हूं, अपने आप संवाद करिए आपस में। मेरे आने का भी समय आता चला जा रहा है और ये कोई मतलब नहीं हुआ मैं आऊं और वहां पर अपनी औपचारिकता पूरी करके आऊं। आप तैयारी करिए अपनी, कल फिर समझाऊंगा इसी बात को। हाँ ठीक है रणवीर, कल फिर समझाऊंगा। नरेश कल फिर समझाऊंगा बेटा, आज की बात को यही पूर्ण कर रहा हूं। ऐसे ही बोलो, यही मैं चाहता हूं, यही बोलो। अरे मैं बोलता जाऊं आप कुछ बोले ही ना, मैं कहानी सुना रहा हूं आप हां हूं भी ना करें तो कैसे होगा। हाँ दोबारा बताएंगे कल, कल दोबारा फिर बताएंगे और आज उदाहरण ढूंढूंगा, आज और सोचूंगा, चिंतन करूंगा, कल तुम्हें कैसे संतुष्ट करूं, कल फिर समझाऊंगा। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। हाँ बेटा कल समझाएंगे, ऐसे ही लिखा करो, जैसे लिख रहे हो ऐसे ही करो।
अरे मुझे पता तो लगे आप कहां हैं और मैं कहां हूं, इसलिए खूब बोलो, खुल करके बोलो। यहां डरो मत, यहां कोई क्लास नहीं चल रही है स्कूल की, यह अध्यात्म की कक्षा है। अगर एक भी चीज आपको समझ में उतर गई तो आपका कल्याण कर देगी। सरोज मैं कल आऊंगा बेटा 4 बजे, कल पहले प्रोग्राम है गांव में, हमारे गांव में 10 बजे से, वहां का प्रोग्राम करके 4 बजे गंगा विहार आऊंगा। आप लोग इकट्ठे, गंगा विहार वाले सब सुन लें, इकट्ठे हो जाएं, एड्रेस डाल देना जहां पर इकट्ठा होना है। वैसे तो ये बिटियाई स्थान देती है, सरोजी हर बार अपने यहां रखती है, किसी और को रखना हो तो छूट है सबको, और नहीं तो सरोज तो है ही। आज की बात को मैं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।